नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन शनिवार, तारीख 13 मई 2023 है और आज के दिन इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में एक बहुत ही बढ़िया खबर निकल करके आई है। और ये बढ़िया खबर आपको मालूम चल जाएगी तो आप इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर्स को खरीदने के लिए उतावले हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको ये बहुत बड़ी खबर सुना देता हूँ, बता देता हूँ कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में क्या बड़ी खबर है। दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि इंदिरापुरम गाजियाबाद स्थित इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के स्वामित्व वाले सिप्रा मॉल को 551 करोड़ रुपए में बेचा गया है और जिसको खरीदा है उस कंपनी का नाम है हिमरी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, इस तरह से इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के पास सिप्रा माल बेचने के बाद 551 करोड़ रुपए आ जाएंगे और ये पूरा सौदा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के लिए बहुत ही फायदे का सौदा माना जा रहा है। आप ये न्यूज़ कंफर्म कर सकते हैं, इसकी गाज़ियाबाद ज़िले में इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है और ये उप निबंधक तृतीय सुरेश चंद मौर्य के कार्यालय में पिछले दिन 12 मई 2023 को हो चुकी है कंफर्म न्यूज़। और इस न्यूज़ के चलते अब सोमवार को बाज़ार खुलते हैं, आप देखेंगे कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का शेयर धड़ाधड़ अपर सर्किट की ओर बढ़ सकता है। लोगों को ये खबर पता चलेगी वैसे वैसे इसके शेयर्स में और बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, यदि इसका शेयर सोमवार को यानी कि 16 मई 2023 को बाज़ार खुलते ही यदि आपको ट्रेडिंग में मिल जाता है तो खरीदने से न चूकें। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का शेयर इस समय 112 रुपये पर चल रहा है। आपको ये एक साल के अंदर अंदर 240 रुपये का टारगेट दिखा देगा। बहुत ही अच्छा शेयर इस समय इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जिसमें शानदार 551 करोड़ रुपए की डील हुई है और ये सारा पैसा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास आएगा, जो कि ये अपने पास स्थित कई जो इनके पास ऋण हैं उनको पहले से ये अदा करेंगे, साथ ही और नए प्रोजेक्ट्स में अपना ये पैसा लगाएंगे। और इससे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पिछले हफ्ते इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने ये घोषणा की थी कि उसके पास जो भी देनदारी इनके पास थी डिबेंचरों की, उनका पूरा इन्होंने समय से पेमेंट किया हुआ है। इस तरह से कोई फाइनेंशियल दिक्कत इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के पास नहीं है और ये 551 करोड़ रुपए आने से कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति और मजबूत हो जाएगी और इससे इसके शेयर्स में अब आगे चल करके बहुत तेज़ी आने की संभावना है। तो दोस्तों, ये बेहतरीन न्यूज़ आप लोगों के सामने पेश की और मुझे उम्मीद है कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के जो भी शेयर धारक हैं या जो आगे परचेज करेंगे उनके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर होगी। दोस्तों, ये खबर और ये वीडियो लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।